से अलग घर और कार की मांग की थी। साथ ही उन्होंने सायरन, वीआईपी नंबर प्लेट की गाड़ी और अपनी निजी लग्जरी सेडान पर महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगाने की भी मांग की थी। अब उनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठ रहे हैं। मांग दरअसल करना पूजा खेडकर को महंगा पड़ गया। पूजा खेडकर महाराष्ट्र कैडर की 2022 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया 841वां रैंक हासिल किया था। पुणे कलेक्टर सुहास दिवसे द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक खेडकर ने 3 जून को प्रशिक्षु के रूप में ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही बार बार मांग की थी कि उन्हें एक अलग कैबिन, अलग गाड़ी, आवासीय क्वार्टर और एक चपरासी प्रदान किया जाए। हालांकि उन्हें ये सुविधाएं देने से मना कर दिया गया और जब ये डिमांड की गई पूजा खेडकर की ओर से तो उनकी पूरी नियुक्ति पर अब सवाल उठ रहे हैं। पूजा खेडकर इस वक्त विवादों में हैं, महाराष्ट्र की अधिकारी हैं। विवाद दरअसल ये है कि आखिर आईएएस बनी कैसे पूजा खेडकर। खेडकर ने 2019 में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा दी थी। नंबर कम आने के कारण चयन आईएएस के लिए नहीं हो पाया था। दूसरी बार दिव्यांग श्रेणी से परीक्षा पास की। 2 फरवरी 2022 को पूजा खेडकर को नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। पूजा ने दृष्टि बाधित, मानसिक रूप से बीमार होने का दावा किया था। जुलाई से सितंबर 2022 के बीच में 4 बार कोर्ट ने मेडिकल जांच निर्धारित की और चारों बार पूजा खेडकर उपस्थित नहीं हुई। न्यायाधिकरण ने राहत देने से इनकार कर दिया। 2023 में फिर विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत हलफनामा प्रस्तुत किया गया। परिणाम स्वरूप पूजा खेडकर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई। पूरी की पूरी नियुक्ति पूजा खेडकर की सवालों में है और मुश्किल उनकी बढ़ सकती है।